बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको मैंगो पेड़े की रेसिपी देने जा रहे हैं। 3 इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार सी है ये रेसिपी। स्वीट है और लो बजट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वो व्यूअर्स जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी फ्रेंड्स। आज हम आपको 3 इंग्रेडिएंट के साथ मैंगो पेड़ा बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, मैंगो प्यूरी, शुगर और पाउडर मिल्क। 1 कप मैंगो प्यूरी ली है, 1.5 कप पाउडर मिल्क और 1/2 कप हमने चीनी ली है। सबसे पहले मैंगो प्यूरी को एक पैन में डालेंगे और इसे पकाएंगे। तो चलिए एक पैन ले लेते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंगो प्यूरी ली थी हमने, उसे थोड़ी देर 1 से 2 मिनट तक पकाया, उसके अंदर हमने पाउडर मिल्क भी ऐड कर दिया। अब हम इसको कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए इसको पकाते रहेंगे। ये देखिए इसके लम्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 कप शुगर या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1/2 कप शुगर ऐड कर दी, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और इसे कंटिन्यूस पकाते रहेंगे। मैंगो प्यूरी, पाउडर मिल्क और शुगर तीनों हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसे पकाते रहेंगे स्लो फ्लेम पर। ये देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है। इसी तरह चमचा चलाते हुए पकाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल आपको इसको छोड़ना नहीं है, चूल्हे पर रखकर चलाते हुए इस तरह से पकाना है। मैंगो प्यूरी को पाउडर मिल्क और शुगर से बनेंगे ये मैंगो पेड़े, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस। लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये थिक होने लग गया है। 1 से 2 मिनट तक और कुक करेंगे हम इसको, ये पैदा बिल्कुल छोड़ देगा। फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसके पेड़े तैयार करेंगे। ये देखिए ये थिक हो गया है और पैंदा भी बिल्कुल छोड़ दिया है। इस तरह से हम इसको घुमाएंगे तो ये देखिए ये पैंदा इसने छोड़ दिया है। अब हम इसकी फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर इसके पेड़े तैयार करेंगे। चलिए फ्लेम ऑफ कर देते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है मैंगो पेड़े का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था। अब इसको कोई भी स्पून ले लेंगे, एक स्पून की मदद से या आपके पास स्कूपर हो तो उसकी मदद से इस तरह से ले लेंगे। एक स्पून से हमने लिया, इसको इस तरह से राउंड करेंगे। राउंड हो गया, इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको, ये कोकोनट है डेसिकेटेड कोकोनट, इसमें कोट कर देंगे। इसी तरह से एक और रेडी करके दिखाते हैं आपको।
ना, तरह से इसको राउंड करेंगे। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये इतनी अच्छी सूप तैयार हो जाती है। इस तरह से प्रेस किया, पेड़े की शेप दी और अब ये कोकोनट में इस तरह से हम इसको कर देंगे। ये मैंगो पेड़े बिल्कुल रेडी हो गए। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार से मैंगो पेड़े बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी तैयार हुई है। लो बजट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर पसंद आए हमारी रेसिपी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेमेडी के साथ या किसी और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइन लगाओ।